इस दुनिया से दो हाँ जी मम्मी जी आई, मम्मी जी तैयार हो रही हूँ, आई हूँ। सुबह सुबह मम्मी जी तैयार भी नहीं होने देते, कंघी करने का भी मौका नहीं मिलता। लाइफ ऐसी हो चुकी है पूरी, बस नाश्ता खाना नाश्ता खाना नाश्ता खाना। बुला रही मम्मी, आई आई जी आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आगे बेटा खुश रहो जी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सवेरे सवेरे ना बेटा जल्दी उठाया करो, 8 बजे तक आपको रसोई में आ जाना तैयार होके, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना साफ रहना और जल्दी किचन ते आके ना सब दिन नाश्ते की तैयारी करनी। बेटा लेट हो जाता, जल्दी उठ के आया करो। जल्दी नहीं उठोगे ना, मनु मैं तो आपको आवाज़ क्यों लगाती हूँ, ऐस करके आवाज़ लगाती हूँ कि जल्दी आ जाओ नहाओ, तो एनर्जी आती है घर पे, बरकत आती है, बेटा तैयार हो जाता है और बच्चा भी उठ जाता है। तो उनके उठने से पहले 6 बजे नहा धो के किचन ते आ जाया करो, तभी घर का नाश्ता जल्दी बनेगा और एनर्जी रहेगी। तो मैं प्यार से समझाती हूँ, तो बेटे गन्ना समझा करो। चलो जाओ उनकी नाश्ते की तैयारी की, वैसे दसो की बनाया नाश्ते की तैयारी कुछ की, सोचा कुछ अजय नहीं सोचा। चलो मैं आनी रसोई ते, चलो रसोई ते तैयारी। पहला गैस वैस प्लेटफॉर्म सारा पूजना, उस तो बाद शुरू करना मेड नू को सारी सफाई करे। उन्होंने को कम नहीं, कम कराना है, कम करना नहीं है, कम करा तो सकते हो। खड़े के बोलो किचन का प्लेटफॉर्म गैस चीजें फ्रिज सारा पहला साफ करो, जे मैं करानी चाहो जल्दी ना फटाफट कराओ। मैं आनी रसोई तो फिर मैं नाश्ता दसनी की बनाना है। ओके जाओ जल्दी जाओ। थक के आके बैठी हूँ, रोज मम्मी जी की एक ही बात, सवेरे उठो सुबह उठो सुबह उठो, तंग आ जाते। एक दिन गैस साफ नहीं होएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन प्लेटफॉर्म साफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। 10:30 भूख भी खत्म हो जाती नाश्ते की, अभी खा के थोड़ा सा, 1 घंटा आराम नहीं आएगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा खाने का। अब तो मैं बाहर नहीं जाने वाली 2 बजे तक, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे से इतने काम करने इम्पॉसिबल है, मेरे से नहीं होते। मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ और बोलती हूँ, नहीं तो उनको फ़ोन लगाती हूँ, आज तो मैं उनको फ़ोन लगा के बोल दूँगी मैं इतना टाइम काम नहीं कर सकती। मेड होते हुए भी साथ में खड़े रह के इतना टाइम लगाना पड़ता है, मुझे नहीं ये सब चीज़ें पसंद आती। मम्मी जी का बोलना कभी कभी मानती हूँ, लेकिन कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, क्या करूँ। कैसा लगा आपको, ये हर घर की तकलीफ है, हर घर की टेंशनें हैं, हर लड़कियों को ये झेलनी ही पड़ती हैं। छोटा सा है मैंने ये टॉपिक लिया है कि हम किचन को क्लीन कराना, सुबह सुबह गैस साफ करना, प्लेटफॉर्म साफ करना, ये सब चीज़ें सबके घर में होती कि नहीं होती हैं। अगर आपको बहू का वर्जन और सास का वर्जन दोनों पसंद आए हों, मेरी एक्टिंग कैसी लगी, तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और मुझे बताओ। हो सके तो आप कोई टॉपिक भी बता सकते हो कि इसके ऊपर आपको बात करनी, मैं ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर कोशिश करूंगी। ये आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपको सच्चाई वाली बातें समझ भी आएंगी, आप कनेक्ट भी हो गए। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप मेरी बातों से कनेक्ट हो जाएं, खुश हो जाएं। आप जब अपना खाना वाना बना के फ्री होके फ़ोन खोलें तो लवली किचन के खानों के साथ में लवली किचन की एक प्यारी प्यारी एक्टिंग बोलिए या सच्चाई वाले वीडियो बोलिए जो मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करने से लोगों को पता लगेगा और एक नए नए टॉपिक के ऊपर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपका एंटरटेनमेंट करने की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए मस्त रहिए और लिख के बताइए कि ऐसी बातें आपके मन में भी होती हैं, आपके घरों में भी होती हैं, आप भी जो बहुएं हैं उनके मन में ये बातें आती हैं, ऐसा होता है ना, ये सच है ना। थैंक यू वेरी मच जी, कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा, तभी मुझे हिम्मत आएगी, तभी मोटिवेट हो सकूंगी और कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबका प्यार और आप सबकी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू जी, बाय बाय, अदा सलाम, सत श्री अकाल, खुश रहिए, बाय बाय।